हेलो बच्चों, आज अपन लेखा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको, इसके पहले आपने लेखा शास्त्र की महत्व, विशेषताएं, लेखा शास्त्र का क्या अर्थ होता है और कौन कौन से इसमें शब्द का उपयोग होता है लेखा बनाने के लिए, इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अन्य परिभाषिक शब्द, है ना। तो लेखा शास्त्र में अन्य परिभाषिक शब्द के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है लागत। किसी वस्तु को निर्मित करने में जो खर्च किया जाता है, अपन कोई भी उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, खर्च। सबसे पहले अपन सोचते हैं इसमें कितनी लागत आएगी, है ना। किसी वस्तु के निर्मित करने में जो खर्च किया जाता है उसे लागत कहते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंट लंदन ने लागत शब्द को परिभाषित किया है। तो ये जो शब्द है वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट लंदन ने यह शब्द को, लागत शब्द को क्या किया है, परिभाषित किया है। लागत वास्तविक या वैचारिक वह राशि है जो निश्चित वस्तु अथवा क्रिया पर किया हुआ अथवा आरोप है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए किसी मशीन की लागत में मशीन के क्रय मूल्य के अतिरिक्त उसे लाने का भाड़ा, मतलब जो अपन वहाँ किसी भी कंपनी या किसी से लाएंगे तो उसमें वाहन, मतलब भत्ता लगेगा, वाहन भाड़ा उसकी स्थापना के व्यय में सम्मिलित किया जाता है, तब इसे क्या कहेंगे, लागत। कोई भी मशीन भी अपन लाए उसके लिए, है ना, तो उसके लिए अपन को भाड़ा लगेगा, भाड़ा वहाँ उसकी स्थापना के व्यय में सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में वास्तविक या वैचारिक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भुगतान वास्तव में नहीं हो रहा है यह वैचारिक भुगतान है, वह वास्तविक हो या वैचारिक इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भुगतान वास्तव में नहीं हो रहा है वह वैचारिक भुगतान होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होता कि भुगतान वास्तव में नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए स्वयं के कारखाने का किराया या स्वयं नियोजित पूंजी पर ब्याज। तो अपन स्वयं कोई व्यवसाय शुरू करेंगे तो बेटा अपना स्वयं का होगा ना, तो उसमें भी क्या होती है, अपन को सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, लागत, है ना, कि कितनी लागत इसमें लगेगी। प्रमाणक, फिर माल के क्रय विक्रय धन के लेन देन को प्रमाणित करने हेतु प्रपत्र तैयार करना पड़ता है जो वो कहलाता है प्रमाणित कहलाते हैं। मतलब क्रय विक्रय, जो अपन ने वस्तु का क्रय विक्रय किया, धन का लेन देन किया, तो उसको प्रमाणित करने हेतु एक प्रपत्र तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमाणक। बीजक रकम, भुगतान की रसीद आदि प्रमाणित करने, मतलब करे जाते हैं। फिर तीसरा है माल। तो सबसे पहले अपन कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे या कोई भी करेंगे तो अपन को माल की आवश्यकता है ना, तो लेखांकन में माल, माल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है उसे वस्तु का माल कहते हैं। अपन कोई व्यापार शुरू करेंगे तो अपन सबसे पहले वस्तु का क्या करते हैं, क्रय विक्रय, तो उसे माल कहा जाएगा। फिर है पूंजीगत व्यय, जो पूंजी के माध्यम से किए जाते हैं वे पूंजीगत व्यय। व्यापार हेतु स्थायी संपत्ति खरीदने, संपत्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने, व्यापार का विकास करने अथवा पूंजी को एकत्रित करने के लिए किए गए समस्त व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। मतलब अपन कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें संपत्ति खरीदने के लिए, उसी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए सबसे पहले अपन को काय की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी, उसे क्या कहेंगे, अपन पूंजीगत व्यय कहेंगे। फिर है आगम गत व्यय, व्यापार हेतु माल खरीदने बनाए गए स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए तथा व्यापार संचालन के लिए संबंधित समस्त व्यय आगम गत व्यय कहे जाते हैं। तो आगमगत व्यय व्यापार हेतु माल खरीदने के लिए, मतलब कोई वस्तु की आवक के लिए, है ना, खरीदने के लिए।
ये अध्याय बेटा यहीं पर समाप्त हुआ है ना। इसके कुछ प्रश्न है बेटा, एक नंबर और दो नंबर वाले, आप इनको मैं पीडीएफ में दे रही हूँ, आप इनको कॉपी में लिखोगे और याद करोगे, इन पर आपका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले है पुस्तक पालन से आप क्या समझते हो। तो व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं को निश्चित नियमों के अनुसार, मतलब जो व्यापारिक व्यवहार होते हैं उनकी घटनाओं को निश्चित नियमों के अनुसार आप क्या करते हो, निर्धारित पुस्तक में लिखने की कला को पुस्तक पालन कहते हैं। मतलब जो पुस्तक पालन की निर्धारित पुस्तक होती है उसमें लिखने की कला को क्या कहते हैं, पुस्तक पालन कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है बेटा, लेखांकन से आप क्या आशय है, मतलब आप लेखांकन से क्या समझते हो, क्या आशय है। तो लेखांकन व्यवसायिक एवं व्यवसायिक घटनाओं के मौखिक रूप का लेखन है। वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, परिणाम की व्याख्या, निर्वाचन, सूचना संबंधित पक्षों को संप्रेषित करने की विधि है। जो लेखांकन पद्धति है वह घटनाओं के मौखिक रूप का लेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और परिणामों की व्याख्या और निर्वाचन करना और सूचना संबंधी पक्षों को प्रेषित करने की विधि है। फिर लेखांकन का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब जो लेखांकन है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। निर्माणी है, उसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा लेखांकन का अंतिम उत्पाद होता है। तो लेखांकन का अंतिम उत्पाद क्या है, लाभ हानि खाता और चिट्ठा लेखांकन का अंतिम उत्पाद है। फिर लेखांकन की सूचना में बाहरी उपयोगकर्ता कौन है, तो जो लेखांकन होते हैं उसके बाहरी उपयोगकर्ता कौन होते हैं, जो लेखांकन सूचना के बाहरी उपयोगकर्ता, विनियोग वर्ग कर्मचारी, संगठन ग्राहक, लेनदार एवं ऋणदाता, जो आपको व्यवसाय के लिए ऋण देते हैं, जो आपसे मतलब आपको ऋण देने के बाद आपसे लेनदार है ना, सरकार एक अनुसंधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो जो लेनदार बाहरी उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, संगठक, ग्राहक, लेनदार एवं ऋणदाता, सरकार एवं अनुसंधानकर्ता आदि को सम्मिलित किया जाता है काय में, बाहरी उपयोगकर्ता में। फिर लेखांकन की सूचना विधि क्या होती है, जो लेखांकन होते हैं उनकी सूचना विधि क्या होती है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा में समझा जाता है, तब जो लेखांकन है उनको व्यापारिक भाषा में या व्यवसाय की भाषा में समझा जा सकता है। जिस प्रकार भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है संवाहन के साधन के रूप में कार्य करना, तब जो भाषा होती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संवाहन के साधन के रूप में मतलब कार्य करना। उसी प्रकार लेखांकन भी व्यवसायिक क्रियाओं के, तब जो लेखांकन है वो व्यवसायिक क्रियाओं के परिणामों को, व्यवसाय से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्रदान करने को करता है। तब जो व्यवसाय के संबंधित समस्त पक्षों को लेखांकन होता है वह क्या करता है, प्रदान करता है। लेखांकन के किन्हीं दो कार्यों को लिखो, वो लेखांकन के दो कार्य होते हैं, नियमित लेखांकन और वित्तीय लेखांकन। तो कार्य होते हैं बच्चों नियमित लेखांकन और वित्तीय लेखांकन। आस्थगित आगम व्यय, व्यापार में कुछ आगम ऐसे होते हैं जो दिन में व्यापार को अनेक वर्षों तक उपयोगिता प्राप्त होती है, तब जो आगम व्यय होते हैं इनसे व्यापार में जिनसे दिन में व्यापार में अनेक वर्षों तक उसकी क्या होती है, उपयोगिता रहती है। ऐसे व्यय की संपूर्ण राशि को व्यय किए गए वर्ष में लाभ हानि लिखा जाता है। बताओ जब अपन मतलब व्यापार का ब्यौरा लिखते हैं, लेखांकन बनाते हैं, तो उसमें लाभ हानि खाते में लिखा जाता है कि कितनी देनदारी, कितनी कितना लाभ हुआ है ना। बल्कि इसमें कुछ भाग आने वाले वर्षों में लाभ हानि खाते के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। ऐसे व्यय को स्थगित आगम व्यय कहते हैं, जो खाते में नहीं लिखे जाते उन्हें क्या कहते हैं, आस्थगित। मतलब कुछ भाग में आने वाले वर्षों के लिए लाभ हानि खाते के लिए
विधि में बट्टा किसी भी व्यवसाय द्वारा रियायत को दी जाती, जो रियायत दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यवसाय में जो रियायत दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। बट्टे के दो भागों में बांटा जाता है, तो व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। बट्टे को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। क्या होते हैं? एक व्यापारिक बट्टे और बट्टा और नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टे क्या होते हैं? विक्रेता द्वारा ग्राहक को माल की सूची मूल्य पर दी जाने वाली रियायत या छूट। मतलब जो व्यापारिक बट्टा होता है, वो जो विक्रेता होता है, तो ग्राहक को माल की सूची जो दी जाती है ना, तो उसमें जो रियायत या छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यापारी बट्टा कहा जाता है। ऐसे थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को माल की सूची मूल्य में प्रतिशत या रियायत इसलिए दी जाती है कि ताकि कुछ लाभ अर्जित कर सकें। तब आप देखिएगा, कभी बाजार जाइए, अगर आप कोई चीज़ थोक में खरीदेंगे तो वो सस्ती मिलेगी, तो आपको मतलब वो रियायत मिल रही है या छूट मिल रही है। फिर आप किसी छोटा जो व्यापारी होता है वो थोक में खरीदता है, फिर फुटकर में जब उसको बेचता है तो उसको उससे उस पूंजी के अंतर से क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार की छूट विक्रय बढ़ाने के प्रयोजन से दी जाती है। इस छूट को लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। फिर है नगद बट्टा। जब कोई ग्राहक अपने ऋण का उधार खरीदने के माल के मूल्य का भुगतान नियत समय से पहले कर देता है, मतलब कोई जब कोई ग्राहक होता है अपने ऋण का उधार खरीदने, मतलब जो वस्तु खरीदता है, ऋण लेता है उधार खरीदने के लिए, माल का मूल्य मतलब नियत समय के पहले दे देता है। मतलब अगर आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, कोई माल खरीद और कहा भाई हम एक हफ्ते में पैसे दे दें, लेकिन उस पैसे को आपने एक हफ्ते के पहले दे दिया, तो वह भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भुगतान की राशि में कुछ छूट या रियायत देता है। यही छूट क्या कहलाती है? नगद बट्टा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, भुगतान प्राप्त करते समय जब कुछ राशि कुल भुगतान राशि के प्राप्त होती है, तो कम प्राप्त की राशि नगद बट्टा या रोकड़ी अपहार कहलाती है। तब कोई भी वस्तु अपन खरीदते हैं, भुगतान करने के समय में कुछ समय बाद राशि का भुगतान, अपन मान लीजिए आपने 1000 की वस्तु खरीदी, तो अपन को अपहार राशि, तो उसको अपन को क्या मिल गया? 920 रुपये प्राप्त किए उसने, तो आपको 20 रुपये क्या प्राप्त मिल गई? आपको 20 रुपये क्या मिला? आपको रियायत मिली। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे प्रशांत ने 1000 का भुगतान किया तो 980 रुपये प्राप्त की, तब उसने 980 रुपये प्राप्त किए, तो वह 20 रुपये क्या हो गए? उसके भुगतान में रियायत दी गई। इस राशि को नगद व्यक्ति के पास 20 रुपये होगी। बट्टे की राशि प्रशांत के लिए लाभ है, तब जो 20 रुपये उसने बचाए, जो बट्टे में बाद उसको प्राप्त हुए, वह उसके लिए क्या है? लाभ है। किंतु भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए क्या है? हानि है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर आपको बताए हुए, इनको आप कॉपी में लिखोगे, याद करोगे, इन्हीं प्रश्नों पे आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।